नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज के सबसे बड़े ब्लॉक बहरिया में एसडीएम की मनमानी से जनता का लाखों रुपए मिट्टी में मिल रहा है। दरअसल बहरिया में सरकार की योजना के तहत पंचायत भवन व शौचालय स्वीकृत हुआ है। सरकारी योजना के अनुसार जिला पंचायत सदस्यों के कमेटी में जगह और नक्शा पास हो गया। विधिवत पूजन अर्चन के बाद निर्माण शुरू भी हो गया, लेकिन एसडीएम पर प्रधान का आरोप है कि एसडीएम विवेक चतुर्वेदी ने किसी व्यक्ति के दबाव में बीम पड़ चुकी जगह को छोड़कर दूसरी उपजाऊ भूमि पर पंचायत भवन बनाने का दबाव बना रहे हैं। इस बात को सही करने के लिए एसडीएम लाश लाभ लश्कर के साथ रिहायशी और पेड़ वाली जगह पर नाप भी करवाकर निर्माण करवाने का दबाव प्रधान पर बना रहे हैं, लेकिन प्रधान का कहना है कि वो मोदी योगी के हरित भूमि के सपनों को खुद की आंखों से देख रहे हैं और पंचायत भवन को ऐसी किसी भी जगह पर नहीं बनने देंगे जहां हरे भरे पेड़ हैं। खबर जगत के लिए प्रयागराज से ब्यूरो की रिपोर्ट। पंचायत भवन बनवा रहे थे, उसको रोकने आए थे। उन्होंने ये कहा कि क्या कहते हैं कि यहाँ नहीं बनेगा, भरेस्ता में बनेगा। तो भरेस्ता में जिस जगह इन्होंने देखा वहाँ पर चार पेड़ है, और मोदी जी का योगी जी का कहना है कि जो हरे भरे पेड़ हैं उसको काटे नहीं जाएंगे। और क्या कहते हैं कि इन्होंने आदेश भी दिया कि आप बनवाए, आज कह रहे हैं कि उसको नहीं बनाए, जबकि उस पर कार्य चल रहा है। कार्य चलते समय इन्होंने काम को रोका है। क्या उन्होंने पहले परमिशन दी थी? परमिशन हम पहले दिया था कि आप चल के आप काम लगवाइए, हमने कहा कि लिखित आप दीजिए, कहन मैं लिख के नहीं दूंगा। तो अब क्यों मना कर रहे हैं वो? अब मना कर रहे हैं साहब, अब क्या, अब जबरदस्ती है, शोरे पुष्टि है, कानून को उल्लंघन कर रहे हैं। हमारा प्रस्ताव हुआ है, एक प्रस्ताव हुआ, फिर दोबारा इनके कथनानुसार एसडीएम के कथनानुसार हमने फिर से प्रस्ताव किया। अब प्रस्ताव में हमारी बहुमत सिद्ध है, हमारा कोरम पूर्ण है। अब कहते हैं यहाँ नहीं, वहाँ जहाँ जहाँ ये कह रहे हैं वहाँ की ज़मीन कोई सुरक्षित नहीं है, वहाँ आबादी है, जो ज़मीन है उसमें चार चार महुए के पेड़ हैं। योगी जी मोगी जी के कहना है कि एक पेड़ कटना ना पावे, तो हम लोग योगी मोगी की बात को लेकर चल रहा हूँ। एसडीएम साहब का कहना है कि पेड़ कटवा के यहाँ पे बनवाइए आप। जो जमीन है जो अभी उन्होंने सिलेक्ट की है वो किसकी जमीन है? वो जमीन क्या कहते हैं साहब, गांव सभा की जमीन है, आबादी की जमीन है, बगल में चारागाह भी है। सर ये मामला ये है, पंचायत भवन का निर्माण हो रहा था, प्रस्ताव हुआ प्रधान द्वारा, अब प्रस्ताव में बहुमत सिद्ध हुआ तो बीडीओ साहब और एसडीएम साहब महोदय के आदेशानुसार मौखिक दिया तो कार्य शुरू हुआ। कार्य शुरू होने के बाद विपक्षी लोग जो कि कुछ एसडीएम महोदय के चाहे नज़दीकी हों जैसा भी हों करीबी हैं, उनके कथनानुसार एसडीएम साहब ने फिर से पुनः आदेश दिया कि आप प्रस्ताव कराओ। ग्राम प्रधान ने पुनः प्रस्ताव कराया जिसमें कि बीडीओ मतलब सारे अधिकारी और पुलिस प्रशासन सारे लोग आए थे, यहाँ कोरम पूरा हुआ, वो प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ कि पंचायत भवन यहीं पर बनना चाहिए। इसके बाद फिर पुनः जो है अब एसडीएम साहब का व्यक्तिगत रुचि है या कैसे क्या है, वो आए आज जा करके भरेस्ता में तीन जगह, पहले कहे यहाँ बनना चाहिए तो वो सुरक्षित भूमि हुई, उसको जो है वो मतलब रिजेक्ट किए, फिर आबादी जमीन थी, फिर दूसरी जगह गए वहाँ रिजेक्ट किए, फिर तीसरी जगह जहाँ पर गए हैं वो किसी का वहाँ पर गरीब का मकान बना हुआ है सर, वहाँ पर तीन चार हरे पेड़ हैं जो है, जो कि हरियाली को इस समय सरकार योगी और मोदी सरकार जो है वो चाहती है कि हरा भरा बना रहे, और वहाँ पर पंचायत भवन कैसे बन सकता है। वहाँ पर एक गरीब का झोपड़ा भी बना हुआ है जो कि रो रही है, वहाँ पर कह रही है कि हमारे मकान पर जबरियन कब्जा करके बनाया जा रहा है, नाप के गए हैं सर। और एसडीएम साहब वहाँ पे उसको जो बुढ़िया थी जिसका मकान था जो है उसको बोले भी कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो भाई यार हो जाएगा, तो गरीब है सर, वो जो है शांत हो गए। वो विवादित ज़मीन है सर, यहाँ कोई भी विवाद नहीं, यहाँ के लिए एसडीएम साहब से पूछा जाए कि यहाँ कोई विवाद है, यहाँ की जनता किसी कोई भी जनता यहाँ पर 1% को विवादित ज़मीन नहीं है, और दोनों तरफ से रोड है। पहले ये बिंदु दिखाया गया कि रोड नहीं है सर, और ये चीज़ें नहीं है, प्रधान अपने उसके बना रहा सारी चीज़ें में जब फेल हो गए सर, तो फिर ये लोग दूसरा पंडा जो भी अपनाए हों विपक्षी के कहने से, जो भी लगे हुए हैं उनके कहने से, फिर आज सीधा आप लोगों के सामने जो कुछ भी हुआ। या इंद्रमणि त्रिपाठी।